गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे लाखों युवाओं के लिए सुबह सुबह बहुत बड़ी खुशखबरी ले आया। कर्मचारियों में जो वह खुशी की लहर है, विभागों में जो वह पत्थर आने शुरू हो चुके हैं, जैसा कि हमने आप साथियों को पहले भी वीडियो के माध्यम से जानकारियाँ दे रखी है। और पल पल की अपडेट के लिए आपका चैनल जो है सबसे पहले और सटीक जानकारी देने का काम करा है, इसलिए आप साथी जो भाई चैनल ना सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करया करो, और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा लेना, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप साथियों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप साथियों लगे हम जो हर वह इन्फॉर्मेशन लेके आने लग रहे हैं धीरे धीरे कि किस विभाग में क्या क्या हलचल चल रही है। विभाग ने कहा कि सरकार ने आदेश दिए हैं तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना पड़ेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का जो डाटा है वो भी लेना शुरू कर दिया है। आप साथियों ने दिखाई दें सारे इन्फॉर्मेशन, तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों भाई, ये आज की और ताज़ा खबर है 24/9/2024 की। यहाँ पर लिखा गया भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत। अनुबंधित कर्मियों को 58 वर्ष तक की जॉब सिक्योरिटी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं भाई। CDLU के पास आया प्रदेश सरकार का पत्र, यानी कि भाई आप साथी अब देख सको हो कि विभागों के अंदर जो पत्र है भाई वो आना शुरू हो चुका है। यानी कि आज आपके 13 तारीख को पत्र आया था, 24 तारीख होगी है, तो 11 दिन लगभग हुए हैं भाई। यानी कि आप साथियों का भाई इतना जल्दी तो देखो प्रोसेस होता नहीं, कहीं आप साथी सोचो कि इलेक्शन से पहले पहले सारे डिपार्टमेंट वो कर देंगे। हाँ, लगभग डिपार्टमेंट ने जो है भाई तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि पत्थर नीचे नीचे जा लिया है, ऊपर ऊपर आओगे जितो आते दिख जाएगा, आपकी साइटा को ऊपर आ जाएगा, अपनी अपनी साइटा को ऊपर डालेंगे, लेकिन वो ऊपर ऊपर को नहीं आया पत्र, नीचे नीचे गया है। किसी का व्हाट्सएप पर भेज दिया, किसी का ऊँ भेज दिया, मेला में भी जानकारी नहीं दी, विभागों में लिया है सारे पत्र, प्रत्येक डिपार्टमेंट में प्रत्येक अधिकारी को पता भी इस चीज़ का। लेकिन हमने आपको कहा था कि ऊपर से आदेश मिलेगा ना जब अधिकारी का, और व्हाट्सएप पर नू कह देगा भाई सारे डाटा ले ले, उसे टेम लेना शुरू कर देंगे। आप साथी दी घबराने की जरूरत नहीं है, सारा काम सरकार का है। आप तो बस वीडियो देखते रहो और इन्फॉर्मेशन लेते रहो कि कहाँ क्या क्या सिस्टम चल रहा है। तो भैया देख लो साथियों, CDLU के पास आया प्रदेश सरकार का पत्र, हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में अनुबंध के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम योजना के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को अब जॉब सिक्योरिटी देने की तैयारियाँ जो है शुरू कर दी हैं। यानी कि जितने साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से हैं उनको जॉब सिक्योरिटी देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसके लिए यूनिवर्सिटी में भी पत्र आ चुका है, इसके पर जो है काम शुरू हो गया है, और जल्द ही यूनिवर्सिटी प्रशासन भी फैसला लेगा। ठीक है भाई, हालांकि नियम सरकार और HKRN की तरफ से लागू किए जाने हैं, क्योंकि अभी जो है नियम फाइनल नहीं बने हैं कि किस प्रकार से कौन से कर्मचारी को किस प्रकार से इंक्लूड कराँ। पत्र तो आपके वही जारी करेंगे जो नेक्सर 1 आया था, जो आप साथियों की अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनाई थी हरियाणा सरकार ने, वो आपके पत्र जारी करवाओगी और उन्हीं के हाथ में बस सब कुछ करना। उन्होंने पत्र जारी करने शुरू कर दिए, धीरे धीरे आप साथियों को अब अलग अलग से डिपार्टमेंट वाइज दिखाते भी रहेंगे किस डिपार्टमेंट में कहां कहां पे पत्र आ लिए हैं। अभी आपने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का देखा, वहाँ पर भी लेटर पहुँच लिया भाई। अब ये CDLU यूनिवर्सिटियों के अंदर आ चुका है, अब धीरे धीरे और डिपार्टमेंट है वहाँ पर पहुँच जाएगा। जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन इनपुट होगी तो सबसे पहले आपको अपने चैनल पर, इसलिए यूनिवर्सिटी सत्र पर केवल इस पत्र को रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यानी कि अभी तक जो नियम नहीं आए भाई, क्योंकि इन्होंने डाटा तो ले लिया, डाटा लेने के बाद में जैसे कार्रवाई शुरू होगी ये तुरता फुर्ती में एक्शन ले लेंगे। ठीक है, पहले डाटा वगैरह लेना बहुत जरूरी है भाई। इन्होंने पत्र को ले लिया, इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सरकार ने चुनाव घोषणा से पहले फैसला लिया था कि HKRN के तहत विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाए ताकि वे निश्चित होकर काम कर सकें। सूत्र बताते हैं कि इसके तहत प्रावधान किया गया है कि बिना किसी ठोस कारण के किसी भी अनुबंधित कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा और 58 साल की आयु तक नौकरी की सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार की घोषणा के बाद HKRN की ओर से सभी विभागों में पत्र भेजना शुरू कर दिया है भाई।
सीडीएलओ में आया पत्र, कर्मचारियों में खुशी की लहर। सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी मैचकरण के तहत बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें सुरक्षा कर्मचारी, कलरक और अन्य पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से जॉब सिक्योरिटी लागू करने को लेकर सीडीएलओ में पत्र आ गया। इस पत्र तक आदेश को जो है लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीडीएलओ की जनरल ब्रांच ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब फैसला उच्च अधिकारियों के स्तर पर होना है। इस फैसले से सीडीएलओ के अनुबंधित कर्मचारियों में खुशी का माहौल आ चुका है। जो कर्मचारी बार बार ये कह रहे थे कि सर अब कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, वह सरकार ने पत्र जारी किया है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ उस पत्र की वेट था, वो पत्र आपका आ चुका है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बना दी है, लेकिन देखो टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं है बस सर समय जैसे हाथ को ऊपर हरी हो जाए, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। टाइम लगेगा लेकिन प्रोसेस जारी है। सरकार किसी की भी आई हो चाहे, लेकिन आपका प्रोसेस ज़रूर रहूगा। आपके प्रोसेस को कोई रोकने वाला नहीं जब तक वो विधानसभा में या तो कैंसिल ना हुआ है या फिर विधानसभा में पास ना हुआ है, तब तक आपकी कार्रवाई चलती रहोगी। पत्र आ गया, सरकार ने लागू करना है फैसला। ये फैसला सरकार की ओर से लिया गया है और सरकार ने आचरण के स्तर पर ही लागू भी किया जाना है। सीडीएलओ में तो केवल कर्मचारी कार्यरत हैं। जॉब सिक्योरिटी संबंधी पत्र को रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रकार से जो सीडीएलओ के जो अधिकारी हैं उन्होंने बात कह दी है। तो आपसे तलक यही खुशी की खबर लेके आता सुबह सुबह, ताकि साथियों को जो इन्फॉर्मेशन दी जाए सबसे पहले और सबसे सटीक। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली प्रत्येक डिपार्टमेंट की न्यूज़ जो है आप साथियों को अपने चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। आप साथियों वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।